नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेल एट योर होम एंड यू आर ऑल्सो डूइंग योर स्टडीज। नाउ इट इज़ टुडे योर कंप्यूटर क्लास फॉर क्लास फोर्थ, चैप्टर वन, एंड चैप्टर नेम इज इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेस पार्ट फोर। सो इन आर लास्ट क्लास वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। सो टुडे वी आर गोइंग टू do revision of these topics which we have discussed in our last class. तो last class में हमने पढ़ा था there are three type of devices. First is input devices, then output devices, and then storage devices. Okay. So what is input devices? Input devices are which from which you can give instruction or enter data into a computer are called input devices. जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, इनपुट देते हैं या कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं अपने कंप्यूटर को, उसे हम इनपुट डिवाइस बोलते हैं। ओके, सो दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस। ओके, फर्स्ट वन इज कीबोर्ड। कीबोर्ड, यू नो अ कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस यूज टू एंटर और टाइप लेटर्स एंड नंबर इनटू अ कंप्यूटर। ओके, सेकेंड वन इज माउस। सो वॉट इज माउस? So mouse is used to select object, open files and folder, and point at a move object on a computer. So it is also a input device. Next one is microphone. So what is microphone? Microphone is used to record voice, sound, music into a computer. जब भी हमें कोई भी साउंड रिकॉर्ड करनी है या कोई वॉइस रिकॉर्ड करनी है, देन वी यूज व्हाट? इन माइक्रोफोन। जॉयस्टिक। जॉयस्टिक इज यूज टू प्ले गेम्स ऑन अ कंप्यूटर। इट इज यूज टू मूव द ऑब्जेक्ट इन अ गेम। जॉयस्टिक क्या होती है? जब हम गेम में किसी ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं, देन वी यूज जॉयस्टिक। नेक्स्ट इज ट्रैक बॉल। अ ट्रैक बॉल कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ a mouse. It can be used to select object or open files and folder on a computer. जैसे हम माउस का यूज करते हैं, उसकी जगह पे हम ट्रैक बॉल का यूज भी कर सकते हैं। ट्रैक बॉल भी सेम माउस की तरह काम करता है। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं ट्रैक बॉल के थ्रू या सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वन इज स्कैनर। स्कैनर इज यूज टू स्कैन फोटोज और डॉक्यूमेंट्स। स्कैनर से क्या कर सकते हैं? फोटोज और डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वेबकैम। वेबकैम से हम वी कैन कैप्चर फोटोज और वीडियोस इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में कोई भी वीडियो या फोटो को हम कैप्चर कर सकते हैं। लाइट पेन। लाइट पेन इज मेनली यूज टू ड्रॉ पिक्चर्स। पिक्चर्स को ड्रॉ करने के काम आता है। देन टच स्क्रीन। टच स्क्रीन इज यूज टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, टाइप लेटर, ड्रॉ पिक्चर्स। ओके, सो दीज ऑल आर द इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, ये सारी क्या होती हैं? दीज ऑल आर द इनपुट डिवाइसेस। ओके, दीज आर सम इनपुट डिवाइसेस। नाउ आउटपुट डिवाइसेस। सो आउटपुट डिवाइसेस आर विच डिवाइसेस थ्रू विच वी कैन डिस्प्ले आउटपुट और रिजल्ट आफ्टर द कंप्यूटर हैज प्रोसेस्ड द डेटा एंटर्ड बाय द इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस के थ्रू जो भी डेटा एंटर किया गया है उसको प्रोसेस करके जो डिस्प्ले करता है वो, दैट इज वॉट आउटपुट डिवाइसेस। सो फर्स्ट आउटपुट डिवाइसेस इज मोनिटर। सो वॉट इज मोनिटर? अ मोनिटर डिस्प्लेज ऑब्जेक्ट सच एज टेक्स्ट, इमेजेस ऑन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर पे कोई भी टेक्स्ट या इमेजेस शो करनी है तो उसके लिए हम यूज करते हैं मोनिटर को। नेक्स्ट वन इज स्पीकर। सो वाई वी यूज स्पीकर? स्पीकर आर आउटपुट डिवाइसेज यूज टू प्ले वॉइस, साउंड और म्यूजिक। अगर हमें कोई भी वॉइस, साउंड या म्यूजिक प्ले करनी है, देन वी यूज स्पीकर। ओके, नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस इज हेडफोन। हेडफोन कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ स्पीकर टू लिसन म्यूजिक, साउंड, वॉइस, इफ यू डोंट वॉन्ट टू डिस्टर्ब द पीपल अराउंड यू। अगर आप आपके आसपास जो लोग हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं एंड आप सॉन्ग सुनना चाहते हैं, देन वी यूज व्हाट? हेडफोन्स। ओके, सो हेडफोन्स क्या होता है? हेडफोन्स को हम यूज करके किसी को डिस्टर्ब किए बिना कोई भी म्यूजिक
या कोई भी सॉन्ग सुन सकते हैं। देन व्हाट प्रिंटर, प्रिंटर क्या काम आता है? अ प्रिंटर इज यूज टू प्रिंट इमेजेस और डॉक्यूमेंट ऑन अ शीट ऑफ पेपर। अगर आपको किसी पेपर की शीट पे आउटपुट चाहिए, इमेजेस चाहिए या डॉक्यूमेंट चाहिए, देन यू यूज प्रिंटर। देन प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर क्या काम आता है? अ प्रोजेक्टर इज यूज टू डिस्प्ले इमेजेस एंड डॉक्यूमेंट ऑन अ सरफेस। अगर किसी सरफेस पे हमें कोई इमेजेस या डॉक्यूमेंट शो करनी है तो वहाँ पे हम प्रोजेक्टर का यूज करते हैं। ओके, सो दीज ऑल आर द आउटपुट डिवाइसेस। ये सारी क्या हैं? आउटपुट डिवाइसेस हैं, मॉनिटर, स्पीकर, हेडफोन, प्रिंटर एंड प्रोजेक्टर। ये सब क्या हैं? आउटपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट इज स्टोरेज डिवाइसेस। सो स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी होती हैं? स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज टू स्टोर डेटा, आउटपुट और रिजल्ट सच एज इमेजेस, डॉक्यूमेंट, वीडियो और गेम्स। एंड वी कैन ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर यूजिंग द स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस में जो भी कंप्यूटर हमें आउटपुट देता है वो सारा स्टोरेज डिवाइसेस में सेव होता है। इसके साथ में ही वी कैन ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर यूजिंग द स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस का यूज करके हम डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर कर सकते हैं। एंड स्टोरेज डिवाइसेस आर हार्ड डिस्क। सो हार्ड डिस्क जो है ये इंटरनल भी होती है और एक्सटर्नल भी होती है। इट इज ऑलरेडी प्लेस्ड इन इनसाइड द कंप्यूटर एंड वी कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ऑन अ हार्ड डिस्क। तो ये कंप्यूटर के अंदर भी लगी हुई होती है और एक्सटर्नल भी होती है, तो दोनों ही केस में हम इसमें डेटा सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टोरेज डिवाइस इज सीडी। सो सीडी इज अ फ्लैट एंड राउंड इन शेप। द फुल फॉर्म ऑफ सीडी इज कॉम्पैक्ट डिस्क। ओके, सीडी में हम कोई भी डेटा सेव करके रख सकते हैं। देन डीवीडी, डीवीडी इज ऑल्सो लुक लाइक अ सीडी एंड फुल फॉर्म ऑफ डीवीडी इज डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क एंड वी कैन स्टोर मोर इन्फॉर्मेशन देन सीडी इन अ डीवीडी। देन पेन ड्राइव, पेन ड्राइव इज अ स्मॉल पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस। इट इज इजी टू यूज एंड कैन बी कैरीड इजीली एवरीवेयर। हम इसको कहीं भी लेके जा सकते हैं, इजीली कैरी कर सकते हैं। इट्स अ स्मॉल स्टोरेज डिवाइस। सो दीज आर द स्टोरेज डिवाइसेस। सो इट्स अ स्मॉल रिविजन ऑफ दिस चैप्टर, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस। Because we have completed this chapter in our last class, so I have to take a small revision class for you. Now we are going to do some question answers of this chapter. Like question number one is, what are input devices? Give example. So devices through which you give instructions or enter data into a computer are called input devices. Examples are keyboard, mouse, scanner and webcam. Okay, then question number two, what is a projector? A projector, answer is, a projector is used to display images or document on a surface. It emits light on the surface to project the content displayed on a computer. ठीक है, प्रोजेक्टर क्या होता है? प्रोजेक्टर डिस्प्ले करता है इमेजेस को, डॉक्यूमेंट्स को किसी भी सरफेस पे, और वो क्या करता है, उस सरफेस पे एक लाइट एमिट करता है जिससे क्या होता है, जो कंप्यूटर का जो कंटेंट है वो हमें उस सरफेस पे दिखाई देने लग जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर थ्री इज, व्हाट आर इनपुट सॉरी आउटपुट डिवाइसेस? गिव एग्जांपल्स। सो आउटपुट डिवाइसेस डिस्प्ले आउटपुट और रिजल्ट आफ्टर द कंप्यूटर हैज प्रोसेस्ड द डेटा एंटर्ड यूजिंग द इनपुट डिवाइसेस। ओके, एग्जाम्पल्स आर मोनिटर, स्पीकर एंड प्रिंटर। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ स्टोरेज डिवाइस? नेम अ फ्यू स्टोरेज डिवाइसेस। सो आंसर इज, स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज टू स्टोर डेटा, आउटपुट और रिजल्ट सच एज इमेजेस, डॉक्यूमेंट, वीडियोज एंड गेम्स। You can also transfer data from one computer to another using the storage devices. The example of storage devices are hard disk, CD, DVD and pen drive. Now question number 5, how is a scanner an input device? So answer is, a scanner is used to scan photos,
or documents. The scanned copies are then transferred to a computer which can be viewed on the monitor. So scanner is a input device. So these five questions, these are subjective question which are given in your book. Section B is answer the following questions. So you have to do these questions in your notebook as your homework. आपको ये जो फाइव क्वेश्चन आंसर हैं ये आपको अपनी कॉपी में करने हैं. ये आपके बुक के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो लेसन के लास्ट में दिए हुए हैं. तो आपको ये फाइव क्वेश्चंस जो हैं ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं. कुछ बच्चों की ये क्वेरी आई थी कि मैम वीडियो से हम कैसे क्वेश्चन आंसर करें. तो जो क्वेश्चन जिस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है वहां पे वीडियो को पॉज कर दो और कौन से क्वेश्चन का आंसर लिख लो. एंड अदरवाइज सारे जो आंसर्स हैं वो आपकी बुक में भी दिए हुए हैं. तो आप बुक में सर्च करेंगे तो वहां पे भी आपको मिल जाएंगे. एंड वन मोर क्वेश्चन इज देयर, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. ट्रू फॉल्स हैं सेक्शन डी में आपके इस बुक की. तो जो ट्रू फॉल्स हैं वो मैं आपके क्लास ग्रुप में शेयर कर दूंगी विद आंसर्स. तो वो आप वहां से कर लेना. तो दिस इज योर होमवर्क फॉर टूडे. You have to do true false and the subjective questions. These are five subjective questions. So do all the work in your notebook. Book में कोई भी work नहीं करना है. अभी सारा जो work है वो notebook में ही करना है आपको. And do complete all the work and submit your copy in school. So then I will check your copy. Okay. So now I will share your homework in your class group. I have given you some subjective questions here, like five subjective questions, and true false I will share in your class group. Do all computer work in Interleaf notebook. मैंने आपको last class में भी बताया था कि आपको Interleaf notebook बनानी है और उसमें work करना है. And do complete all your homework and submit your notebooks in school for चेकिंग. अगर आप स्कूल में बुक कॉपी सबमिट नहीं करेंगे तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी और आपको कॉपी चेकिंग के जो ग्रेड्स हैं वो नहीं मिलेंगे. सो प्लीज सबमिट योर कॉपीज इन स्कूल. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग. स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.